नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप आज सभी एग्ज़ाम दे के आए हैं एचएससी क्लर्क 2019 के लिए, पांच शिफ्टों में जो एग्ज़ाम चला था, आज हम इसका कट ऑफ के बारे में कुछ विश्लेषण कर रहे हैं। उम्मीद है कि जैसा मैंने अपने टीम से या सभी बच्चों से संपर्क करके जितने मेरे कॉन्टैक्ट में थे तो उनसे विश्लेषण किया है कि किसका कितने नंबर का जो मार्क्स है वो अटैम्प्ट हुआ है पेपर आपका। तो उसी तरीके से दोस्तों, आपने भी कमेंट बॉक्स में अपने जो कितने क्वेश्चन आपके प्रोक्सी में ठीक है वो कमेंट में डालने हैं ताकि इसकी नई वीडियो कल तक आप अपडेट की जा सके, तो इसकी मैट क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जो 22 की इवनिंग का पेपर था वो बड़ा ही इजी लेवल का पेपर बनाया गया था। अगर हम उसको अलग से निकाल देते हैं तो उसके बाद कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 22 का जो इवनिंग का पेपर था वो आपकी कट ऑफ का जो है सारा मामला बिगाड़ सकता है। मुझे तो यही चिंता है कि कभी सारे बच्चे जिसका 22 की इवनिंग का पेपर था उसी में से ना सिलेक्ट हो जाए 5 के 5,000 कल तक। तो सरकार से भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो 22 का इवनिंग का पेपर था उसका नॉर्मलाइजेशन जरूर करें, या फिर आप जो 22 का इवनिंग का जो शिफ्ट का पेपर था उसको दोबारा से लिया जाए, क्योंकि बहुत ही कोई ईजी लेवल का वो पेपर दिया गया था। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अदर शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें कोई लेवल ही नहीं था, क्लरिकल जो लेवल था, जैसे आपकी आईएएस आईपीएस का पेपर ले रहे हो इस तरीके का लेवल है जो है एग्जाम में रखा रहा था, जो कि नहीं बनता था। उसमें प्लस वन या प्लस टू लेवल का आपके पास मैथ्स था, साइंस भी आपके पास, फिजिक्स भी इसी तरीके से थी, 11th 12th के क्वेश्चन है जो कि एक क्लर्क लेवल पर वो उचित नहीं बनते। तो दोस्तों, मैं इसके कट ऑफ के बारे में आपको कुछ विश्लेषण दे रहा हूँ। तो आपके पास 90 क्वेश्चन थे, तो आप मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस कैटेगरी में कितने क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए, ये मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, जो ये 22 तारीख का पेपर का विश्लेषण नहीं है, क्योंकि 22 का जो पेपर का जो रिजल्ट है बच्चों वो मेरिट को बहुत हाई कर सकता है। तो विश्लेषण क्या है इसमें, जनरल जो बच्चे हैं बच्चों जनरल कैटेगरी में, अगर आपके 72, 76, 77 तक अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो आपका जो है ये पेपर जो है क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस, 72, 76, 77 तक ये जो है रहेगा आपके पास। OBC कैटेगरी में जो रहेगा बच्चों आपके पास वो रहेगा आपके पास डाटा जिस बच्चे के 62 से लेके 72, 73 तक इस तरीके से क्वेश्चन ठीक है उसमें आपका OBC कैटेगरी में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। SC कैटेगरी में जो आपके पास क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा आपके पास 55 to 60, 61 इस तरीके से जो जा सकते हैं, जिस बच्चे 2 से मल्टीप्लाई मत करें, जितने क्वेश्चन ठीक हैं तो उसके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। PH में आप जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं आपके, अगर आपके 52, 55, 57 या 58 तक आपके पास क्वेश्चन ठीक हैं। उसके बाद एक्स सर्विस मैन में दोस्तों, एक्स सर्विस मैन में जो है काफ़ी एब्सेंट भी पाई गई हैं जैसे डाटा विश्लेषण किया है, तो अगर आप एक्स सर्विस मैन में हैं तो उसमें आपके जो है सिलेक्शन 45 to 50 to 54 इस तरीके से आपकी जो है सिलेक्शन हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेट ठीक बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज डाल दें, ताकि जो है सभी का बच्चों का डाटा कलेक्ट करके उसे एक एवरेज निकाली जा सके। देखिए, कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा अप डाउन हो सकती है, मतलब अप ही होगी, जो लाइन मैंने आपको बताया इसे डाउन तो नहीं होगी। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर ठीक बनते हैं, क्योंकि आंसर की लगभग आ चुकी हैं सभी के सेंटर्स की, तो अप्रोक्सीमेट की होंगी ऑफिशियली की से आप मैथ्स करेंगे तो उसके बाद एक अलग डाटा एनालिसिस लिया जाएगा। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे के अपडेट के लिए नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्दी आपके पास बना दी जाएगी। जब तक इसकी ऑफिशियल की आती है उसके बाद जो है मेरिट का बेस तैयार किया जाएगा कि एक्चुअली में जो मेरिट है वो इसमें क्या रहेगी। थैंक यू।